Hello students, welcome to my channel Life's Calculations. So after a little long, now I have brought one video for you. So let us see what is there in my video. So we are already in a very crucial stage of this year. Those who are going to appear for their board exams, उनके लिए बहुत ही crucial stage पहुंच चुकी है. Board date sheet is out and some of you have already taken your practice exams. आपके जो बोर्ड एग्जाम पैटर्न के ऊपर आप ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं, आपके मार्क्स आपको क्लियर हो चुके हैं, पूरा सिलेबस आप कर चुके हो. तो दिस इज द टाइम जहां हमें कि बोर्ड एग्जाम्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है. एंड मोर ओवर मीन्स फॉर्चुनेटली यू हैव गॉट दैट मच ऑफ टाइम ऑल्सो स्टिल, मीन्स कि 2 मंथ्स अभी भी आपके पास हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं सबके पास, वेयर मतलब एकदम नए सिरे से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. कुछ भी नहीं बिगड़ा, दोज हु आर स्टिल वर नॉट सीरियस फॉर द एग्जाम्स दे नाउ एट लीस्ट, अभी भी नहीं करेंगे तो फिर कभी कभी भी नहीं कर पाएंगे. सो फॉर योर 100% सक्सेस इन स्पेशली इन दिस सब्जेक्ट मैथ्स, ओके, ये इसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू फॉलो सम टिप्स. 100% सक्सेस इज श्योर इन मैथमेटिक्स बट प्रोवाइडेड यू फॉलो सम techniques, some steps, some tips, ठीक है. तो I have written some tips for you. We will discuss them one by one और देखते हैं कि आप उनमें से try to follow my words कि भाई कितना आप जो है जो आपके problem areas हैं या जो points को मैंने touch किया है वो आपके साथ कितने match करते हैं. I am sure, I guarantee कि अगर आप इन tips को follow करेंगे तो surely आपको जो है ना 100% success इसमें मिलेगी, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है दैट फॉर 100% सक्सेस इन मैथ्स, सबसे पहले प्राइम मोस्ट मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं और ये 2 वर्ड्स फॉर दीज 2 मंथ्स जो है आपके दिमाग में फिक्स होने चाहिए, मतलब पूरी तरह से प्रिंट हुए होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज माय शेड्यूल, प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल फॉर योर डे, मैनेजिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर डे. विदाउट प्लान अगर आप उठेंगे, विदाउट प्लान अगर आप पूरा दिन जो है वो बिताएंगे तो बाय द एंड ऑफ द इवनिंग आप सोचेंगे आई हैव सिंपली वेस्टेड माय टाइम. तो सबसे पहले हमें डे को शेड्यूल करना, ईच एंड एवरी मोमेंट को प्लान करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल दोनों एक ही बातें हैं. properly write properly on a sheet from this time you are going to do what, ठीक है. उसमें study hours भी होंगे, उसमें your break times भी होंगे, उसमें lunch और breakfast का timing भी fix होगा. so if you plan like this तो you will I will guarantee you कि 24 hours को जब आप plan करेंगे, schedule करेंगे, manage करेंगे, you will realize by the end of the day you will realize कि आपने इतना सब कुछ कर लिया, still you are left with this much of time, ठीक है. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. देन आई वुड रिकमेंड कि भाई गो फॉर द लॉन्ग सिटिंग्स. अभी भी अगर लॉन्ग सिटिंग्स के लिए अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं बैठेंगे तो आई थिंक यू विल मिस समथिंग. लॉन्ग सिटिंग्स का मतलब है लेट अस टॉक फॉर मैथ्स ओनली, तो आप जो है मैथ्स का एक टॉपिक पकड़िए, उसमें लॉन्ग सिटिंग्स का मतलब है कि 1.5 आवर या 2 आवर्स के लिए बैठ रहे हैं. सो दैट एक चैप्टर को आप एज ए होल ऐसा नहीं कि आई विल सिट फॉर 1 एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज, एज ए होल एक चैप्टर को करेंगे. दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू सिट फॉर द लॉन्ग आवर्स, ओके, बिकॉज यू हैव द टाइम. Some are going to school, some are not going to school. That is up to your wish only. So those who are sitting at home, it is best for them to plan the long sittings. Then check the problem areas. जब हम practice exams में बैठे थे, कुछ उसको pre-board कह रहे हैं, कुछ schools उसको नहीं बोल रहे हैं. Practice exams से सबके हो चुके हैं. Board pattern पे आप दे चुके हैं exams. उसके लिए जरूरी है कि चेक योर प्रॉब्लम एरियाज का मतलब है कि अभी तक यू आर वेरी मच क्लियर कि कौन से एरियाज मेरे जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, ये और ये पॉइंट मेरा जो है वो लिंक्ड है. चेक दिस पॉइंट ऑल्सो, वर्क अपॉन द कंसेप्ट स्टिल नॉट क्लियर. अभी तक हमें ये क्लियर है कि मेरे प्रॉब्लम एरियाज कौन है, ज्योमेट्री मेरा बेस्ट पार्ट है या मेरा अलजबरा बेस्ट पार्ट है, अलजबरा मेरा बेस्ट पार्ट है, जीएसटी मुझे नहीं आता है, तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री आता है तो हाउ मुझे अजीब में प्रॉब्लम है. तो ये सब आपको क्लियर है, यू आर योर बेस्ट जज, आपको पता है कि भाई मेरे पॉजिटिव एरियाज कौन से, नेगेटिव एरियाज कौन से, मीन्स प्रॉब्लम एरियाज कौन से. तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं. फॉर एग्जांपल बच्चों को जनरल एक अजीब्स में, सर्कल्स में, टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में वो जो है ना उन पे ज़्यादा मेहनत की जरूरत है. तो दीज
Here you have fixed your study hours, long hours है आपके आपके पास, where you can easily sit और उन पे आप काम कर सकते हैं. अगर अभी भी नहीं करेंगे तो यही वाले जो अजीब का 6 marks का क्वेश्चन आता है, सर्कल्स का 4 marks का या टेंजेंट्स का 4 marks का है, you are going to lose something. और इतने इजी टॉपिक्स हैं कि मीन्स कि बाई स्पेंडिंग अ लिटल एक्स्ट्रा टाइम बाई assuring some extra effort on them, ensuring extra efforts on them, you will surely get 100% success in these topics. Then avoid the minor mistakes by doing the hard practice. ठीक है, अभी तक हमें पता है कि मेरा जो है calculation part में मेरे को गड़बड़ रहती है, और I know the formula but by the time I reach the answer I am not able to complete the answer. That is the only problem where the students are doing the minor mistakes. वो कब दूर होंगे? When we will be doing the hard of the practice. और एक और point आपको बताऊंगी मैं यहाँ पे, जब भी आप questions को solve करते हैं, don't leave the question only by writing the formula and putting the values. Some of us simply do the practice by writing the formula, putting the values and think, now we have to do the calculation and we will do it directly in the exams. No, this way you do the minor mistakes. In calculation, जब भी question करें, उसको पूरा solve करें, end तक करें, answer निकालें. That is the best thing how you can avoid the mistakes. Let us go for our next point. Solve the sample papers. And my next point is also linked. Don't spend time in solving each and every sum given in the exercises. Exercises solve करने का time गया. छोटे-छोटे questions, starting के questions solve करने का time गया. Now, because you already know the concepts, now is the time to solve the sample papers. जितने ज़्यादा बच्चे आप sample papers solve करेंगे, बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे लास्ट इयर्स के, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मच, मींस लिमिटलेस जो है रिजल्ट आपको मिलेंगे व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द सैंपल पेपर्स. सैंपल पेपर्स के लिए है, इफ यू आर नॉट एबल टू सिट फॉर 2.5 hours, एक पेपर जो है 2.5 hours के लिए आपको सॉल्व करना है. अगर नहीं है तो स्टार्टिंग इन द स्टार्टिंग दिस फर्स्ट जो आपका वीक चल रहा है मार्च का, गो फॉर सॉल्विंग ओनली द सेक्शन ए ऑफ एनी सैंपल पेपर. उसके लिए आप सेक्शन ए को सॉल्व करिए, spend only 1 hour on that. Then next day you solve section B. तो ऐसे क्या होगा, long sitting भी नहीं होगी and you will be doing extra practice also. तो यहाँ पे हमारे sample papers को solve करके और exercises को हमें जो है वो we have to go for the board questions in the exercises. Exercises छोड़ नहीं सकते हम, लेकिन we have to go for the बोर्ड क्वेश्चन गिवन इन द एक्सरसाइजेस. वही टाइप के क्वेश्चन है, मैंने हमेशा बोला है इन प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन काइंड ऑफ क्वेश्चन इज रिपीटेड एवरी ईयर. कभी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड का क्वेश्चन देखो, वो 3-4 साल तक लगातार कॉम्पोनेंट और डिविडेंड का क्वेश्चन आ रहा है. वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ करके वी हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन विच आर श्योरली गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स. वो चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेंगी. और उसके बाद मैंने लिखा है हिट अपॉन द बोर्ड क्वेश्चन. ये सारे पॉइंट्स लिंक्ड हैं. बोर्ड क्वेश्चन को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे, हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमारा जो है ना वी विल नॉट बी गेनिंग दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ नाउ आई एम रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. तो बोर्ड क्वेश्चंस को करना ही है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. मिनिमम लास्ट 10 ईयर्स के तो आपने करने हैं. और आप बाई कर लीजिए, बाय द टाइम आई एम वेरी मच श्योर सब बच्चों ने बोर्ड सैंपल पेपर्स बाई कर रखे हैं. अभी भी नहीं किए तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपके मार्केट्स में अवेलेबल हैं, आपके नेट पे कहीं भी किसी भी ईयर का सर्च करिए, विद इन 30 seconds यू विल बी एबल टू गेट योर एनी सैंपल पेपर या फिर बोर्ड पेपर. ठीक है, उसके बाद आई हैव रिटन वन मोर पॉइंट, दैट टाइम बाउंड योरसेल्फ. टाइम बाउंड योरसेल्फ इज वेरी वेरी मच एसेंशियल पॉइंट. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर फॉर सेक्शन ए सॉल्व करना है, तो अपना जो है वो 1 hour के लिए, सपोज मे बी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट फॉर द फर्स्ट डे, यू आर नॉट एबल टू फिनिश दैट फॉर 1 hour, नो प्रॉब्लम, लेट इट गो फॉर 1 hour 10 minutes, लेट इट गो फॉर 1 hour 15 minutes. ओके, डोंट गेट डिस्करेज्ड अगर आप टाइम बाउंड करते भी हैं अपने आप को, लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल टू फिनिश विद इन दैट मच टाइम. डोंट वरी, मे विद इन बाई थर्ड और फोर्थ डे आप वही वाला अपना जो सेक्शन ए है वो आप 1 hour में कर पाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे श्योरली 55 minutes तक पहुंच पाएंगे. तो सेक्शन ए के लिए 55 minutes रख लो, नहीं होता कोई बात नहीं 10 minutes एक्स्ट्रा ले लो. ठीक है, और फिर हम सेक्शन बी नेक्स्ट डे बैठो, यू कैन स्पेंड 1 hour 15 minutes ऑन सेक्शन बी ऑल्सो. ठीक है,
एक और मैं आपको पॉइंट बताती हूँ विच हैज बीन कवर्ड इन ऑल दिस पॉइंट्स ओनली. वो क्या है दैट सपोज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व फुल सेक्शन ए. ओके, सेक्शन ए नहीं सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस है, अभी सेक्शन बी या फुल पेपर सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड यू थिंक दैट यू विल गो चैप्टर वाइज. अब सपोज एक चैप्टर आपने प्रैक्टिस किया लीनियर इन इक्वेशंस और यू हैव प्रैक्टिस योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस फ्रॉम द एक्सरसाइजेस गिवन इन द बुक, आपको एक बहुत ही छोटा एक सिंपल सी टिप बताती हूँ. आपने क्या करना है, यू विल ओपन द सैम्पल पेपर्स और उन सैंपल पेपर्स में जहां जहां भी लीनियर इन इक्वेशन का क्वेश्चन आया है आप उनको कर लो. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फुल सिलेबस का सेक्शन ए या सेक्शन बी सॉल्व करने के, चैप्टर वाइज आप चैप्टर को रिवाइज करो एंड सिंपली सॉल्व दोज क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द सैंपल पेपर्स फ्रॉम दैट चैप्टर. दैट विल ऑल्सो गिव यू अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ दैट चैप्टर. देन मे बी आफ्टर आफ्टर 10 days यू विल हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि अब आप जो है ना सेक्शन ए को सॉल्व कर पाएंगे, मीन्स फुल सिलेबस. सेक्शन ए मीन्स फुल सिलेबस, सेक्शन बी मीन्स फुल सिलेबस. और कभी भी बच्चे, पहले भी मैंने बोला है, नेवर गो फॉर द थियर दैट क्या बोलते हैं गेस्ट वर्क. गेस्ट वर्क पे नहीं जाना कि सेक्शन बी में ही आएगा क्वेश्चन, ये सेक्शन ए में नहीं आ सकता चैप्टर. नेवर, एनी चैप्टर कैन बी आस्क्ड इन एनी सेक्शन. सर्कल का क्वेश्चन सेक्शन ए में आ सकता है, अजीब आपका सेक्शन ए में आ सकता है, इसलिए कोई हिट एंड ट्रायल इसमें नहीं है मेथड. इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर योर फुल सिलेबस, यू हैव टू प्रिपेयर योर फुल सिलेबस, रिमेंबर ऑलवेज. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता था. तो दीज वर माई सम पॉइंट्स. और सबसे पहला, ये तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा अनलेस यू शेड्यूल योर डे, यू प्लान योर डे, ईच एंड एवरी मोमेंट यू प्लान. तो दीज वर माई सम पॉइंट्स, होप दे विल हेल्प यू. और अगर आप फॉलो करेंगे श्योरली यू विल गेट 100% सक्सेस इन मैथ्स. वर्किंग हार्ड इज द ओनली सोल्यूशन फॉर सक्सेस. प्रोवर्ब बहुत पुराना है लेकिन आज तक भी ये वैलिड है, इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं है. वर्किंग हार्ड इज द ओनली मंत्र फॉर 100% सक्सेस वेदर इट इज मैथ्स और एनी अदर सब्जेक्ट. सो आई विश यू ऑल वेरी मच गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग वन वेरी नेक्स्ट वीडियो फॉर यू. सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम्स.